खबर नोएडा से, जहां पर श्रीकांत की सोसाइटी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सोसाइटी में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा है। कार्रवाई के विरोध में रेजिडेंट्स इस वक्त धरने पर वहां पर बैठ गए हैं। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा है और कार्रवाई के विरोध में रेजिडेंट्स जो है वो वहां पर इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीकांत की सोसाइटी में इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और वहां के जो रेजिडेंट्स हैं वो ही इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं इस कार्रवाई के विरोध में। अधिक जानकारी के साथ प्रिया राणा हमारी संवाददाता जुड़ गई है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। प्रिया, देखिए पहले भी बुलडोजर पहुंचा था जब श्रीकांत त्यागी का जो घर था, जो अवैध अतिक्रमण उसने अपने घर के बाहर किया हुआ था, तब उस पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब वही बुलडोजर एक बार फिर से पहुंचा है। आखिर अब कौन सी कार्रवाई है और आखिर रेजिडेंट्स वहां पर विरोध क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कृतिका, अभी हम ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बाहर ही मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जब श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर जो अवैध अतिक्रमण टूटा था तो वहां पर यही वो रेजिडेंट थे जिन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई थी जी, और अपनी खुशी जाहिर की जी। वहीं प्राधिकरण के द्वारा दो दिन पहले इन्हें एक नोटिस जारी किया था। नोटिस 90 लोगों को जारी किया गया था कि जिन्होंने भी अपने फ्लैट्स के बाहर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उसको वहां से हटाएं। 48 घंटे का अल्टीमेटम इन सोसाइटी निवासियों को दिया गया था, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य इन निवासियों के द्वारा नहीं किया गया। वहीं जैसे ही टाइम ड्यूरेशन खत्म हुआ तो प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और आप बाहर देखना चाहेंगी तस्वीरों में तो यहाँ के सोसाइटी निवासी जो है उन्होंने मेन गेट पर लॉक कर दिया है और सोसाइटी निवासी यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, जिनका कहना यह है कि हम लोगों ने अवैध अतिक्रमण नहीं किया है। जो ये जो प्राधिकरण के लोग हैं ये दो दिन का समय उनसे मांग रहे हैं। हालांकि प्राधिकरण की अगर हम बात माने तो प्राधिकरण ने 48 घंटे पहले ही 90 लोगों को यहाँ पर नोटिस जारी किया था जिसमें अवैध अतिक्रमण को हटाने की बात की गई थी, लेकिन अभी जो ये निवासी हैं काफ़ी आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं। इनका कहना ये है कि हमने अवैध अतिक्रमण कोई नहीं किया है, लेकिन जब श्रीकांत त्यागी की अगर हम बात करें तो जब वो अतिक्रमण वहाँ से हट रहा था तो लोगों में काफ़ी खुशी की लहर थी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये निवासी जो है आप तस्वीरों में देखेंगे तो पीछे फोर्स भी यहाँ पर तैनात है, अंदर अधिकारी जो हैं अथॉरिटी के वो पहुँच चुके हैं वहाँ पर जायज़ा लेने के लिए कि किस किस के यहाँ पर जो नोटिस दिया गया था किस तरीके का अतिक्रमण है। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना होगा, जब श्रीकांत त्यागी के यहाँ पर जो दीवार तोड़ी गई थी, इनका निवासियों का ये कहना है कि जब श्रीकांत त्यागी का अवैध अतिक्रमण इसलिए था क्योंकि उनके बाहर की जो बाउंड्री वॉल है किसी भी रेजिडेंट ने नहीं तोड़ी है। जो श्रीकांत त्यागी का निवास था, उसका फ्लैट था, उसने उसको जो उसकी बाउंड्री वॉल थी उसे कई फुट ऊपर तक बढ़ा रखा था, उसकी बाउंड्री वॉल को हटाया गया था। लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे तो अभी जो हम बाहर सोसाइटी के खड़े हैं तो यहाँ पर सभी ने बाउंड्री वॉल की हुई है। लेकिन देखिए अभी यहाँ पर जो है बहुत सारे बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत सारी DCM है, प्राधिकरण के अधिकारी हैं, पूरी सोसाइटी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोग काफ़ी आक्रोशित भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जो अधिकारी अंदर गए हैं तो आखिर क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि देखिए ये 48 घंटे का समय मांग रहे हैं। इनका कहना ये है कि ये अतिक्रमण नहीं है, ये ऑन पेपर्स उनको दिखाना चाहते हैं, उसके लिए ये समय मांग रहे हैं। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया प्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार वहाँ बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुँचाते रहिएगा।